नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। सत्ते में चूर भाजपा कार्यकर्ताओं ने समर्थकों के साथ मिलकर क्षेत्र में जमकर फायरिंग की। क्षेत्र में विकास कार्य न होने पर मेयर को शिकायत देने पर भाजपा की मौजूदा पार्षद रानी सैनी ने कॉलोनी के लोगों को अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली और 50 से ज्यादा समर्थकों के साथ मिलकर कॉलोनी में फायरिंग भी करवाई। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सैनी समाज के लोगों ने थाना कटघर कोतावली के आगे रामपुर रोड पर प्रदर्शन कर जाम लगा दिया। लोगों का आरोप था कि उन्होंने क्षेत्र में जब विकास कार्य नहीं हुआ तो इसकी शिकायत मेयर मुरादाबाद से की थी, जिसके बाद से ही भाजपा की मौजूदा पार्षद रानी सैनी के समर्थकों ने उनकी कॉलोनी में आकर 2 दिन पहले शिकायत करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी, जिसकी शिकायत कॉलोनी के लोगों ने 2 दिन पहले ही कोतवाली कटघर में जाकर लिखित तौर पर पुलिस को की थी। लेकिन पुलिस ने उसके बाद भी दबंग व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की, जिसके बदले में आज आरोपी भाजपा के दबंग कार्यकर्ता शिवोम व रंजित ने 50 से ज्यादा समर्थकों के साथ उनकी कॉलोनी में आकर देसी हथियार से कई राउंड फायरिंग कर दी। कटघर थाना क्षेत्र में आज उस समय हड़कंप मच गया जब भाजपा के 50 से ज्यादा समर्थकों ने क्षेत्र में जमकर फायरिंग शुरू कर दी। मामला कई दिन पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। कॉलोनी के ही रहने वाले सोनू सैनी द्वारा लगातार क्षेत्र में विकास कार्य ना कराए जाने को लेकर क्षेत्रीय पार्षद और महापौर के खिलाफ आक्रोश है, जिसको लेकर लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया जा रहा है। उसके बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं किए जाने को लेकर वह लगातार शिकायतें करता था। क्षेत्रीय पार्षद के समर्थकों ने आकर सोनू सैनी पर फायरिंग कर दी, जिसमें वह बाल बाल बचे। इसके विरोध में कॉलोनी के दर्जनों महिला व पुरुषों ने थाना कटघर कोतावली के आगे प्रदर्शन कर जमकर पुलिस व फायरिंग करने वाले दबंगों के खिलाफ नारेबाजी की। उनका आरोप था कि अगर पुलिस 2 दिन पहले उनके द्वारा दी गई शिकायत पर कार्यवाही कर देती तो आज उनके इलाके में फायरिंग नहीं होती। पुलिस अधिकारी प्रशासनकारियों को काफी देर तक समझाते रहे, लेकिन प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं थे। तब अन्य थाना क्षेत्रों की फोर्स बुलाकर प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी दबंगों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे और बीच रोड पर नारेबाजी करते रहे। इसकी सूचना जैसे ही पुलिस के आला अधिकारियों को हुई तो उन्होंने क्षेत्र के अधिकारी कटघर सुदेश गुप्ता को मौके पर भेजा। क्षेत्र अधिकारी ने नारेबाजी कर रहे लोगों को समझाया और उनसे कहा कि वह तहरीर दे दे। तहरीर देने पर आरोपी लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। इस पर लोग सड़क से हटकर थाने के गेट पर धरना देने बैठ गए। फिलहाल मुरादाबाद पुलिस पीड़ित पक्ष सोनू सैनी के तहरीर मिलने के बाद आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की बात कह रही है। सर, मेरा नाम सोनू सैनी है, मैं पीतल बस्ती 44 का रहने वाला हूँ। ये मेरे साथ जब से ही अपराधिया हो रही है, जब से ही मेरे साथ दुर्घटना घटना पर घटना जब से ही हो रही है, जब से कि मैंने सड़कों गलियों का प्रदर्शन किया था। सर 2018 में ये लड़के 28 एक बार ये सर मेरे घर में घुस करके मेरे ऊपर फायरिंग कर चुके हैं। ये लड़के सत्येंद्र और शुभम बालिया और इसके साथ 15-20 लड़के चलते हैं, हर समय अभेद हथियार रहते हैं इन पर, खुलेआम फायरिंग आज भी करके गए हैं ये बलदेवपुरी में। और दूसरी बार मैं जिम जाते हुए इन्होंने एक बार और घेरा था इन्होंने रस्ते में, जिसके गवाह खुद मुकेश शुक्ला जी हैं, दरोगा जी खुद बहुत सस्पेंड हुए हैं, उन्होंने मेरे साथ भी मारपीट करी थी। 2 बार मेरे घर में घुस चुके हैं और एक बार मुझे घेर के मारा है और आज मुझे मारने के लिए वो बलदेवपुरी में आए थे, गोलियां मेरे ऊपर चलाई है, जिसके पूरा गांव मेरा गवाह है इस बात का। इन लेडीजों से पूछ लो कि कितने लड़के थे। सर मैं परसों ही मेरे पास फोन भरी धमकी, फोन पे धमकी भी आई थी, जिसकी तहरीर मैंने परसों यहाँ पर देकर भी गया था थाने के अंदर। मेरे पास भी सबूत है उस बात के और उसमें खुले आप जी, हमें थाने वालों पे और पुलिस चौकी वालों पे हमें कोई भरोसा नहीं है। जब तक हमें SSP कप्तान साहब नहीं मिलेंगे हमारी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हमें उन्हीं पे ही भरोसा है बस। हमें पाठक जी से बात करनी है, जिसके मैं जा भी चुका हूँ उनके घर पे 2 बार, लेकिन हमें नहीं मिले। 20-25 लोग थे, कार में बैठ करके आए थे, खुलेआम फायरिंग करके गए हैं, वो मुझे ही मारने के लिए आए थे जी। सर किसी के गोली लगने, लेकिन लगने लगते बची है। सारी पब्लिक जो है इधर भी इधर घरों में घुस गई, किवाड़ा बंद कर लिए थे सबने, लेकिन छतों पे से सब औरतों ने देखा है। इनसे सबसे पूछ लो मैं गवाऊ तरीके से माहौल बिल्कुल खराब हो रखा है। ये शुभम बालिया, सत्येंद्र और ये रानी सैनी के गुंडे हैं,
ये मेरी जान लेना चाहते हैं बस जी। राजनीतिक ये बीजेपी पार्षद रानी सैनी के गुंडे हैं सत्येंद्र शुभम बालिया, यही कराने चाहते हैं, ये मेरी हत्या करना चाहते हैं बस। और मैं बता दूं, जब से मैंने गलियों सड़कों का प्रदर्शन किया, जब से मेरे ऊपर हमले पे हमला चार चौथी बार हुआ है। सर, मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र में अभी कुछ थाने का घिराव किया गया था, क्या पूरा मामला है, किस तरह से कार्रवाई की गई? ये सोनू सैनी और उनके कुछ साथी लोग आए थे थाने पर ये शिकायत करने की, उनके घर पर आके कुछ अभियुक्तों ने फायरिंग की है, उसमें कोई इंजर्ड नहीं हुआ, उसमें जाँच की जा रही है। सर, इसमें आरोप यह है कि उसमें कोई बीजेपी पार्षद हैं, उनके लोगों ने जाकर हमला करवाया है, क्या सच्चाई? इन लोगों ने शिवम के नाम पे एक एप्लीकेशन दिया, उसमें FIR दर्ज करके जाँच की जा रही है। अच्छा, ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि इससे पहले दो दिन पूर्व थाने पर एप्लीकेशन दी गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, इस तरह की कोई एप्लीकेशन प्राप्त नहीं। पूर्व में भी कितना विवाद चल रहा था आपसे? सोनू सैनी के खिलाफ खुद एक मुकदमा पंजीकृत है थाना कटघर पर, जिसमें वो वांटेड था, उसने हाजिरों के जमानत करा लिए, और ये दूसरा पक्ष है जिसके खिलाफ उन्होंने तहरीर दी। प्रथम पक्ष ने जो तहरीर दी है उसमें कितने लोगों को नामजद किया गया, क्या कार्रवाई की गई? 8-10 लोगों को नामजद किया गया है, उनके नाम पता किए जा रहे हैं, जांच की जा रही है, इसमें सोनू सैनी ने अपनी जमानत करा दी। सर, आज जो फायरिंग हुई है, कितने राउंड फायरिंग हुई है? रोड इन्होंने लिख के दिया है कि उन्होंने आके फायर किया है, अभी पुलिस मौके पे जांच की जा रही है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।